Good morning to all my dear students. Today I am going to teach you English grammar of class 2. Previous class में हम लोग use of a पढ़े थे, आज के class में हम लोग use of an पढ़ेंगे. We use an before a noun when the noun starts with a vowel sound. जब कोई भी noun जो है vowel के साथ start होता है, जैसे a, e, i, o, u, तो उस वर्ड के पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एन ऑरेंज, ये ओ जो है ये वोवेल है, तो ऑरेंज के पहले हम लोग क्या लगाएं, एन लगाएं. द फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन इज़ ओ, इट इज़ प्रोनाउंस एस ओ, ए वोवेल साउंड. एन एग, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन इज़ ई, इट इज़ प्रोनाउंस एस ई, ए वोवेल साउंड. अब नीचे देखिए, व्हेन एन adjective comes before a noun, the use of a or an depends on the first sound of the adjective. जब a or an कोई भी adjective noun के पहले आता हो तो वो adjective के पहले a n लगता है और वो sound vowel sound पे depend करता है. अब यहाँ for example में देखिए, an old man, the first letter of the adjective is o, it is pronounced o, a vowel sound. A brown owl, the first letter of the adjective is b, it is pronounced as b, a consonant sound. ये जो b है, brown का जो spelling है वो first में consonant है, और ये owl का जो spelling है इसमें vowel लगा हुआ है, मतलब o लगा हुआ है, तो ये consonant sound हो गया. आज हम लोग नीचे कुछ exercise करेंगे, आप अपने page number 36 में देखिएगा. नंबर ए में फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल्स ए और एन. वी वेंट टू गोवा फॉर ए हॉलीडे. नंबर टू, डिड यू वॉच ए फिल्म लास्ट नाइट. नंबर थ्री, दैट वाज एन एक्साइटिंग मैच. नंबर फोर, आई एट एन एप्पल पी आफ्टर डिनर. नंबर फाइव, स्ट्रीट फूड कैन गिव यू ए स्टोमक एक. तो ये एक्सरसाइज है, ये आप अपने बुक में फिलअप करेंगे इसमें से देख के, और अच्छे से इसे याद भी करेंगे और इसी को अपने कॉपी में नोट करेंगे. ये आपका होमवर्क है. डेट्स ऑल फॉर टूडे. टेक केयर. थैंक यू.